नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव थिंकिंग में। देखिए ये पोर्चुल का जो सारे कलर वाले जो फूल होते हैं, जो मिक्स होता है वो वाली है। इस गमले में से मैंने कटिंग की है अभी, ताकि मैं अपने इस दूसरे वाले इस पॉट में सारे मिक्स फ्लावर लगा सकूं। तो आज मैं आपको कटिंग से लगा कर दिखाऊँगी। इससे मैंने कटिंग की है और ये मैंने कुछ कटिंग यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए पीछे से जो इसकी पत्तियाँ हैं वो मैंने साफ़ कर ली हैं, और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है। बस ऐसे उंगली से करेंगे और इसको दबा देंगे। ये इसका लगाना बहुत ही आसान है, आराम से बस ऐसे थोड़ा सा उंगली से इकट्ठा करो, या फिर किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, और ऐसे इसको दबा दें। ऐसे ही करके मैं अपनी सारी कटिंग लगा लूँगी। कटिंग से बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी से चल जाती है। सीड से थोड़ा टाइम लगता है इसमें, कटिंग से तो एक हफ्ते में इसकी जड़ बन जाती हैं। और हमारा कलरफुल फूलों से भरा हुआ एक पॉट तैयार हो जाएगा। सारे कलर मिक्स हैं इसमें, पीला, लाल, ऑरेंज, सारे कलर मिक्स हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं सारे मिक्स होकर। तो उन सब की कटिंग मैंने ली है, और सारी कटिंग मैं अपने इस गोल वाले इस पॉट में लगा लूँगी। इसमें बहुत अच्छी लगेंगी ये सारी। तो कटिंग से अगर आपको इसकी कटिंग कहीं भी दिखे किसी भी जगह पर, तो आप ऐसे इसकी छोटी छोटी कटिंग ले आएँ। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है, मैं इसको भी लगा दूँगी और ये भी ग्रो कर जाएगी। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से चल जाती है, तो आप कहीं पे आपको दिखे तो आप इसकी कटिंग ले सकते हैं और आराम से इसे अपने घर में लगा सकते हैं। पूरी गर्मी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये देगा, और इसको किसी भी छोटे से छोटे पॉट में, किसी बॉटल में, बास्केट में, किसी में भी आप लगा सकते हैं, सब में चल जाता है। बस इसको धूप ज़रूरी मिलनी चाहिए, इसको धूप बहुत चाहिए। धूप के साथ ही इसके फ्लावर खिलते हैं, तो इसको धूप वाली जगह पे आप लगाएं और देखें इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिलेंगे। तो ऐसे ही करके मैं अपने पूरे गमले में इसमें लगा लूँगी दोस्तों, और एक हफ्ते में ही ये चलना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से मेरा पूरा गमला भर जाएगा, और एक महीने में तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी होने लगेगी इस पर। तो कटिंग से इसको लगाना बहुत ही आसान है, आप भी ऐसे ही कटिंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा गमला पूरा लगकर तैयार है। जो मेरी कटिंग बच गई है वो मैं किसी और में भी लगा दूँगी, क्योंकि अभी ये बड़ी होंगी तो ये इसको जगह भी चाहिए थोड़ी, फुल भर जाएगा ये। तो इस तरह इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और गर्मी में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी लगेंगे। तो देखिए दोस्तों अब ये पूरी तरह से तैयार है लगकर हमारा पॉट। देखिए अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे एक बार, और इसको ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। 3-4 दिन में इसमें जब ये सूख जाए तभी इसको पानी दें, ज़्यादा पानी की से बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों हमारी कटिंग लगकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।